हजरत सईद बिन आमिर ने उसी कत्ल शहादत की जगह पर उसी जालिम मजमे को मुखातिब होकर कहा था, कुरैश मक्का सरदार, मक्का के सरदारों गवाह रहना, मैंने ख्वाब नदी के रब को मान लिया। दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, गजवा खैबर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में सबसे पहले शामिल हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलीलुल कदर सहाबा इकराम में थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खिलाफत के मनसब पर फायज होते हैं तो आपकी रहनुमाई करना और आपको गाइडेंस देना और आपकी मशावरत का सबसे पहला फरीजा हजरत सईद बिन आमिर ने ये मामला जो है वो अपनाया। और फिर हमें पता चलता है कि कुछ देर के बाद जो महमस के गवर्नर अयाज जो हैं वो जब फौत हो गए और उनको कुछ रवायत में आता कि फौत हुए और कुछ रवायत में आता कि जब उनको गवर्नरी से उतारा गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हजरत सईद बिन आमिर को ये कहा कि आपको हेमस का गवर्नर बनाया जाता है, तो सबसे पहले तो हजरत सईद बिन आमिर ने इनकार कर दिया। हुकूमत नहीं चाहिए होती थी ना, वो जो कहते हैं कि मोमिन के लिए क्या है, मोमिन तो अल्लाह की रजा का तालिब होता है ना, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई इन चीजों का तालिब नहीं होता है। बहरहाल हजरत सईद बिन आमिर ने पहले तो इनकार किया और फिर उस पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आपने मुझे तो खिलाफत की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डालने का किरदार अदा किया, मुझे खिलाफत के तरीके संभालने का तरीका समझाया और अब आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ तो आप इसे बचना चाहते हैं, मैं हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगा, आपको तो ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। हजरत सईद बिन आमिर हिमस के गवर्नर बनाए गए और किस शान से गवर्नरी करते हैं। हिमस के हवाले से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक दफा, आपको पता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में माल गनीमत बहुत ज्यादा था और इतना माल था कि सुपरफ्लूस था और लोगों के पास देने वाले लोग नहीं मिलते थे, तो हिमस एक जरा गरीब इलाका था। तो हजरत उमर ने हिमस के लोगों को खत लिखा और गवर्नर और मातहतों को खत लिखा कि अगर तुम्हारी रियासत के अंदर जो गरीब गुरबा और फकीर और मस्कीन है ना, उनकी फहरिस्त बना के भेज दो ताकि रियासत की तरफ से उनका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए और उनकी माली मुआवनत कर दी जाए। हिमस के जो पूरे के पूरे फकीरों की सफ़े अव्वल में नाम किसका है, गवर्नर हिमस हजरत सईद बिन आमिर का। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला तो फौरन 1000 दीनार जो है वो तोहफतन और मदद और मुआवनत के लिए हजरत सईद बिन आमिर की तरफ रवाना किए। कासिद आया, हजरत सईद बिन आमिर को खलीफतुल मुस्लिमीन की तरफ से वो थैली दी। जब हजरत सईद बिन आमिर के हाथ में वो थैली आई, उन्होंने खोली और अंदर 1000 दीनार देखे, गिनने से पहले उस थैली को नीचे रख के एकदम से कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बीवी पास ही मौजूद है, गवर्नर हिमस की बीवी पास ही मौजूद है। फौरन पूछती है, कासिद खलीफतुल मुस्लिमीन की तरफ से आया है, खैरियत तो है कि कासिद आया है हजरत उमर की तरफ से और आप इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं, कोई खैर की खबर है, आप इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? शौहर ने क्या कहा, मेरे घर में माल आ गया, मेरे घर में माल आ गया। इन्ना लिल्लाह पढ़ते थे जब इनके घरों में माल आता था। दोनों मियां बीवी ने मशावरत की और दोनों ने इस बात पे राजी होके अपने जो हमसायों के खादिम थे उनके हवाले किया कि ये माल शाम से पहले पहले तकसीम कर दिया जाए, हमारे घर में माल आ गया, ये माल फितना है, अल्लाह हमें इस आजमाइश से बचाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका तरीकाकार था कि अपने इर्द गिर्द जो सारे की सारी रियासतें थी और जो सारे के सारे इलाके थे उनकी तहकीक करते थे। तहकीक करने के लिए हजरत उमर हिम्स के रियासत में भी तशरीफ लाते हैं और वहां पे हिम्स के लोगों को जमा करते हैं और पूछते हैं कि देखो तुम्हारे अपने जो हुक्मरान हैं, जो गवर्नर हैं, इनके बारे में कोई शिकायत तो नहीं, हालांकि ऐसी तस्दीक पहले हो चुकी है लेकिन फिर भी शिकायत के बारे में पूछा जा रहा है। हिम्स के लोग जमा होकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को कहते हैं कि हमें अपने गवर्नर के खिलाफ सईद बिन आमिर के खिलाफ 4 शिकायतें हैं। एक शिकायत ये है कि दिन को तो हमारा काम करते हैं लेकिन रातों को न बात सुनते हैं न काम करते हैं। दूसरी शिकायत ये है कि सुबह गैर मामूली तौर पर ताखीर से बाहर निकलते हैं। तीसरा शिकवा ये है कि हफ्ते में एक दिन तो बहुत ही ज्यादा ताखीर से सुबह बाहर निकलते हैं, यानी कामकाज के लिए अपने मनसब के ड्यूटी के लिए देर से निकलते हैं। और चौथा ये कि हमारे दरमियान बैठे होते हैं और एकदम से कुछ गशी सी तारी हो जाती है, ना बोलते हैं ना जवाब देते हैं ना सुनते हैं ना सुनाते। हजरत सईद बिन आमिर को बुलाया गया और वजह पूछी गई।
पहली वजह पूछी गई कि बताएं, ये कहते हैं कि आप रात को ना सुनते हैं ना मिलते हैं ना काम करते हैं। सईद बिन आमिर ने दो टोक कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरा दिन अल्लाह के बंदों के लिए, रात मेरे रब की इबादत के लिए, ना रात को सुनूंगा ना बोलूंगा ना इनकी बात करूंगा। दूसरा सवाल का जवाब के बताओ सुबह ताखीर से क्यों निकलते हो? कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर में कोई लौंडी नहीं, मेरे घर में कोई गुलाम नहीं, बीवी मेरी बिस्तर पर है, बीमार है, वो घर के काम काज नहीं कर सकती, मैं घर के सारे काम करके बिस्तर समेट के खाना पका के सफाई करके निकलता हूँ, इसलिए कुछ ताखीर हो जाती। और रही वो तीसरी बात के हफ्ते में एक दिन जरूरत से ज्यादा देर करते हैं, मामूल से देर करते हैं, तो खलीफतुल मुस्लिमीन घर में मालिक कुछ तंगी है। और हाल ये है कि मेरे पास सिर्फ एक जोड़ा है, मेरे पास फकत एक जोड़ा है, हफ्ते में एक दिन धोता हूं, उसको सूखने में जितनी देर लगती है उसकी वजह से कुछ ताखीर हो जाती है। ये तीसरी बात का उजर आ गया और कहने लगे, रहा वो चौथा इतराज कि मैं बैठे बैठे गश खा के बेहोश हो जाता हूं, इनके सवालों इनकी बातों का जवाब तक नहीं देता हूं। वो बात यह है कि खलीफतुल मुस्लिमीन, मैंने आलम शिबाब में खुबैब बिन अदी की शहादत का मंजर देखा, बस जब मुझे उनकी वो दुआ याद आ जाती है और मुझे ये एहसास गालिब हो जाता है कि मेरी आंखों के सामने मैंने जब देखा, तक्तुलूना रजुलन यकूलु रब्बुनल्लाह, अल्लाह के बंदे को सिर्फ इस बात पर कत्ल किया जा रहा है कि वो अल्लाह को अपना रब मानता है, और जालिमों के ना मैंने हाथ पकड़े थे ना मैंने उनको जबान से रोका था और मैं खामोश तमाशाई बना रहा था ऐसे जुल्म का और ऐसे कत्ल का, तो तेरे हजूर हाजिरी और तेरी मुलाकात का खौफ मुझे लर्जा करके मुझ पर खशी तारी कर देता है, अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाब, बस फिर मैं गश खा के बेहोश हो जाता। अल्लाह सुबहाना ताला हमें इन सहाबा की जिंदगियों के नमूनों को याद रखने, माशरे में इनको आम करने, इनके रवैयों के जरिए अपने इर्द गिर्द माशरे का तरबियत और तस्किया करने की तौफीक अता फरमा दे। हजरत सईद बिन आमिर की वफात कुछ रवायात में 19 हिजरी और कुछ रवायात में 20 हिजरी का तस्करा मिलता है। 40 साल की उम्र में ये फौत होते हैं और गवर्नरी ही की हालत में दुनिया से रुखसत होते हैं। अल्लाह सुभाना ताला हमें इन सहाबा इकराम की जिंदगी के नमूनों को सीखने, सिखाने और अपने लिए तरबियत का नमूना बनाने की तौफीक अता फरमाए।